शांति। नमस्कार। अपनी ज़िंदगी को बहुत खुशनुमा बनाने के लिए, सब तरह की नेगेटिविटी से बचने के लिए एक और शक्ति पर हम अभ्यास करेंगे, वो है निर्णय करने की शक्ति। माँ सरस्वती विद्या की देवी, बुद्धि की देवी, बुद्धिदात्री, ये इसी निर्णय शक्ति का प्रतीक है। आपने देखा होगा कि कॉलेज में, स्कूल्स में माँ सरस्वती की प्रतिमा या उनकी पिक्चर या चित्र ज़रूर बने होते हैं, लगे रखे होते हैं, और ये माना जाता है कि माँ सरस्वती ही विद्या की देवी है। अब आप सोचिए कि बहुत ट्रू जजमेंट ये विद्या से आती है, लेकिन माँ सरस्वती को MBA, MSc, BSc, इसके आगे की पढ़ाई, PhD, मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग, ऐसे तो किसी भी पढ़ाई का ज्ञान नहीं है। माँ सरस्वती इन सारी विद्याओं की देवी तो है नहीं। ये जो भी टेक्निकल नॉलेज, साइंस की नॉलेज, लॉ की नॉलेज, जिस तरह की भी आप नॉलेज ले रहे हैं, ये सारी इस दुनिया को ठीक चलाने के लिए इन्फॉर्मेशंस हैं। इसे हम नॉलेज नहीं कहते हैं। ज्ञान की देवी का अर्थ ये है कि जो आध्यात्मिक ज्ञान हमारी लाइफ को बहुत सुखी और अच्छा बनाने में, शांत बनाने में मददगार है, माँ सरस्वती उस ज्ञान की देवी है। तीसरा नेत्र जिनका हमेशा खुला हुआ है, जिनकी निर्णय शक्ति अच्छी है। आप अपने परिवार में देखें कि निर्णय शक्ति हर छोटी छोटी चीज़ पर काम आती है। आप परिवार के हेड हैं और आपका मन किया वैसे ही करेंगे, मेरा दिल कर रहा है इसीलिए ऐसा ही करूँगा, ऐसा नहीं चलता है। आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं परिवार में, कोई भी आप निर्णय लेते हैं तो सबको ठीक लगना चाहिए, सबको अच्छा लगना चाहिए, आप ये चेक करते हैं। अब इसको चेक करने के लिए अंदर की विद्या क्या काम आती है, अंदर की रोशनी, क्योंकि ज्ञान, विद्या या पढ़ाई ये रोशनी का काम करती है। तो अपनी रोशनी को खुद महसूस करके देखें, क्या मेरा ज्ञान मेरी लाइफ को बिल्कुल सीधे रास्ते पर डिसिप्लिन्ड वे में चलाने में मददगार है। ज्ञान और विद्या आपको उलझा तो नहीं रही है? आप उलझ गए, आप परेशान हो गए और आप प्रेजेंट में नहीं रह पाते हैं और कहते ये हैं कि क्या करूं, मेरा तो कोई फैसला ही ठीक नहीं होता, मेरी जजमेंट ही ठीक नहीं है। अब एक व्यक्ति के मन में आ गया कि चलो दिल्ली छोड़कर बेंगलोर चलते हैं, और क्योंकि वही हेड है उन्होंने सोच लिया और वो सब बेंगलोर चल दिए। वहाँ जाके पता चला कि ये नॉर्थ इंडियन के लिए तो बड़ा मुश्किल हो रहा है, भाषा समझ में नहीं आ रही है, माँ को अच्छा संग नहीं मिला जो वहाँ रोज़ सत्संग में जाया करती थी नज़दीक के मंदिर में, वाइफ़ को भी वो अच्छी पार्टी, अच्छे फ्रेंड्स वो सब नहीं मिले, बीइंग हाउस वाइफ वो बहुत कुछ इस तरह उनका एक्सपोज़र नहीं हो रहा है, बच्चों को भी उस तरह के स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूशन नहीं मिले जैसा वो चाहते थे। तो वहाँ जाकर उनको लगा कि ये तो ठीक फैसला नहीं हुआ, तुरंत निर्णय चेंज किया कि चलो वापस दिल्ली चलते हैं। अब आप सोचिए कि पहले भी सबकी खुशी, सबका कंफर्ट, सबके लिए जो चीज़ें ज़रूरी चाहिए वो ना सोचकर फैसला लिया। अगेन, इज़ इट बेनिफिशियल टू ऑल? जो आप पर जिम्मेवार हैं, जिनके लिए आप, जो आप पर आधारित हैं, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे बिना, उन सब की चीज़ें कंफर्ट देखे बिना अगेन निर्णय लेते हैं कि चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ ठीक नहीं लगा, चलो वापस चलते हैं, क्योंकि वहाँ खर्च भी बहुत हो गया और स्थिति भी सुधरी नहीं। ऐसे ही कितने निर्णय ऐसे होते हैं जो बुद्धिहीनता की निशानी दिखाई देती है। बुद्धिहीन कब कहा जाता है? जब मिली हुई नॉलेज को हम प्रॉपर यूज़ नहीं करते हैं, जब हम हर जगह सिर्फ मन की या सिर्फ दिमाग की बात करते हैं।
जब हमें संतुलन रखना नहीं आता है तब हम परेशान होते हैं। तो इसीलिए माँ सरस्वती विद्या की देवी, आध्यात्मिक ज्ञान की देवी है। वो हमें ये समझा रही हैं कि हर चीज़ में बैलेंस रखना ज़रूरी है। संतुलन आपकी लाइफ को खुशनुमा बनाता है। किसी एक ही तरफ सोचते रह जाना तो ये संतुलन नहीं है। विद्या हमें डिसिप्लिन, बहुत मर्यादित सही रास्ता दिखाती है। तो आज हम जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं वो ज्ञान आपकी लाइफ को खुशनुमा बनाने के लिए है। हम ये फील कर सकते हैं कि विद्या की देवी माँ सरस्वती तीसरा नेत्र मिलने का हमारा वो सबसे सुंदर सोर्स है। उनको भी हम शिव शक्ति क्यों कहते हैं कि परमात्मा शिव की याद से, साधना से ही हमारे अंदर माँ सरस्वती का उद्गम होता है, ओरिजिन होता है। हमारा तीसरा नेत्र खुला रहता है, परखने की शक्ति के साथ साथ काम करती है निर्णय करने की शक्ति। आपने परख तो ठीक लिया, कौन सा व्यक्ति, कौन से हालात, कौन सी परिस्थितियाँ मेरे लिए ठीक हैं या नहीं है, लेकिन परखते ही निर्णय भी करना पड़ता है कि मुझे क्या चीज़ स्वीकार करनी है, क्या नहीं स्वीकार करनी है। तो अपने आप को आज से ही उन सब चीज़ों से दूर कर दें जो आपकी एनर्जी को डिप्लीट करता है, जो आपको परेशान कर रहा है। जहाँ हम ये समझते हैं कि जहाँ परमात्मा के साथ कनेक्शन ठीक हो, वो मुझे ठीक टाइम पर टच करेगा कि मुझे क्या सोचना है। हमारी थॉट पावर, सबसे बड़ी एनर्जी हमारे पास है। जैसा हम सोचेंगे वैसा होता जाएगा। आप यही सोचते रहें मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ, मैं तो बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ, तो आप डिस्टर्ब होंगे ही। ये सोच कर देखें इसकी बजाय, हर परिस्थिति में, परेशानी में मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, परमात्मा का साथ है और मैं स्टेबल रह सकती हूँ, मैं शांत और स्थिर रह सकती हूँ, और आप रहेंगे। तो आपका थॉट सिस्टम ठीक काम करे इसके लिए निर्णय शक्ति ठीक हो। निर्णय शक्ति को ठीक रखने के लिए राजयोग की साधना हमें ये सिखाती है कि आप माँ सरस्वती के ही पुत्र हैं, उनके जैसी ही बुद्धि काम कर रही है। तो हमें अपने आप को बहुत समझदार और एक जागृत बुद्धि उस तरह से बनाकर रखनी है ताकि हम आत्मा का दीपक सदा जगा रहे। बुझे हुए दीपक मीन्स अंधेरा हो गया, तो अंधेरे में तो हमें अच्छे और बुरे की पहचान भी नहीं होती है। अंधेरे में ही भूत प्रेत नजर आते हैं, अंधेरे में ही हम ठोकरे खाते हैं, अंधेरे में ही गलतियां होती हैं। तो ये सब कुछ अब तक अज्ञानता के अंधेरे में कर रहे थे। जाति, धर्म, पोस्ट, पोजीशन, धन, इसके अनुसार हम लोगों को तोलते थे और उनसे बात करते थे। ज़्यादा धनवान है, ज़्यादा पढ़ा लिखा है, उसके सामने अपने आप को लो फील करते थे। जो मुझसे कम पढ़ा लिखा है, कम धन वाला है, उसके सामने खुद को ऊंचा, सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाते थे। तो ये ज्ञान नहीं है। हम आत्मिक दृष्टि से व्यवहार कर सकें, हमने हर एक को देना ही देना है, तो आपकी अवस्था ऊंची रहेगी। तो ऐसी ऊंची अवस्था बनाए रखने के लिए आप सभी इस नवरात्रि के दिनों में अपने आप को शक्ति संपन्न बनाने का पूरा प्रयास करें। हर चीज़ आपके लिए अच्छी है, माँ सरस्वती का आपके ऊपर आशीर्वाद है और वो सदा वरदान दे रही हैं कि अपना तीसरा नेत्र खुला रखें, मन को स्थिर रखें, ताकि आपकी निर्णय शक्ति बहुत बहुत अच्छी रहे। ओम शांति।